श्री अग्रसेन कन्या महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लासेस में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो बेटा आज हम कवर करेंगे जो आपके रिमेनिंग रूल्स थे। मैंने दो रूल तो मैंने पहले आपको बता दिए हैं, अब आज थर्ड रूल्स देखते हैं। इसमें रूल्स थर्ड है आपका, रूल थर्ड है कि यदि दिया गया समीकरण एम डी एक्स और एन डी वाई इक्वल टू जीरो, ठीक है, और व्यंजक एक होना चाहिए बेटा इसमें कि डेल एम ओवर डेल वाई और माइनस डेल एन ओवर डेल एक्स अपॉन एन इक्वल टू, अगर फंक्शन क्या बचे इसमें, एक्स का बचे। देखो सबसे पहले इस समीकरण की तुलना करेंगे, m और n का मान निकालेंगे, ठीक है। m और n का मान निकालने के बाद फिर आप पार्शियल डिफरेंशियल करेंगे विद रेस्पेक्ट टू y के, फिर इसका n का करेंगे आप x के रेस्पेक्ट में, ऐसा माइनस कर दीजिए और n वाली टर्म से इसमें डिवाइड करें, तो फंक्शन आपका जो बचेगा वो f ऑफ x बचेगा या अचर रहेगा, दो चीज होंगी, ठीक है। तो समाकलन जो गुणांक होगा इस स्थिति में, समाकलन जो गुणक होगा बेटा, वो इंटीग्रल फैक्टर जो है वो निकल के आएगा e टू दी पावर साइन ऑफ इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स डी एक्स होगा, या e टू दी पावर साइन ऑफ इंटीग्रेशन और k कॉन्स्टेंट ले लेती है, अच्छा कॉन्स्टेंट के ले लेते हैं और डी एक्स के बराबर होगा, ठीक है। यही दिया गया समीकरण, फिर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन देखते हैं बेटा, इसमें क्वेश्चन नंबर में आपके एक्सरसाइज से ही लिए हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 8 है, देखो दिया है एक्स क्यूब ई टू दी पावर एक्स माइनस एम बाई स्क्वेयर और डी एक्स प्लस एम एक्स डी वाई, एम बाई है बेटा, एम एक्स बाई और डी वाई इक्वल टू जीरो, ये हो गया बेटा, ठीक है। ये दिया है इक्वेशन, तो सबसे पहले हम क्या करें इसका कि आप इसका कंपैरिजन करेंगे, इसको समीकरण एक माने। देखो कि एम डी एक्स और एन डी वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, जीरो, समीकरण एक और दो हो गया। समीकरण एक व दो से तो एम की जो वैल्यू निकलेगी बेटा वो निकलेगी एक्स क्यू और ई टू दी पावर एक्स एम बाई स्क्वेयर होगा, और n की जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी एम एक्स बाई की आएगी, ठीक है, एम एक्स बाई की। अब हमें ये निकालना, डेल m ओवर डेल y निकालो, तो निकालिए इसमें कि m की जो वैल्यू है एक्स क्यू e टू दी पावर x माइनस एम बाई स्क्वेयर बेटा, तो क्या निकालना होगा, पार्शियल डिफरेंशियल करिए विद रेस्पेक्ट टू y के, कि डेल m ओवर डेल एक्स डेल वाई, तो ये तो जीरो हो जाएगा, माइनस का टू एम वाई हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, देखो टू एम वाई, और एन का निकालेंगे तो कितना है एम एक्स वाई और डेल एन ओवर डेल एक्स, तो एम वाई हो गया ना, डेल वाई हो गया, ठीक है। अब हमें क्या करना होगा, ये वाली वैल्यू निकालें, डेल एम ओवर डेल वाई माइनस डेल एन ओवर डेल एक्स ओवर एन इक्वल टू, अब देखिए इसमें क्या बचेगा कि इसकी जो वैल्यू है माइनस टू एम बाई और माइनस का एम बाई और अपॉन कितना, एन की वैल्यू कितनी है, देखो कि एम एक्स बाई के बराबर है और इसको बचाएं तो कितना हो जाएगा, माइनस का थ्री एम बाई अपॉन एम बाई एम एक्स बाई, देखो एक्स से एक्स कैंसिल, एम से एम कैंसिल,
तो ये निकल के आ रहा है माइनस का 3 अपॉन एक्स। देखो ये बच गया कि नहीं बच गया, ये फंक्शन किसका निकल गया, एक्स का आ गया। तो बात बन गई कि नहीं बन गई, इसमें फंक्शन किसका बन गया, एक्स का, बात बन गई। तो इसका मतलब है कि रूल जो है ये इस पर फिट बैठ गया। देखो एग्जाम में ये नहीं आएगा बेटा कि ये कौन से रूल से आएगा, फर्स्ट से करना है कि सेकंड से करना है, आपको इस तरह से स्टडी करनी है कि रूल है ये आपके क्या है, की है, आपको सर्च करना होगा, क्वेश्चन की कंडीशन को समझना होगा, इतनी स्टडी करनी होगी कि आप ये समझ जाए कि कौन सी प्रॉपर्टी इसमें लग सकती है। ठीक है, तो आप अच्छी तरह से स्टडी करें। तो आगे सॉल्व करते हैं बेटा इसका। अब हमें निकालना होगा इंटीग्रल फैक्टर, क्या निकालना होगा बेटा इसका, इंटीग्रल फैक्टर। ये वैल्यू निकल के आई, ये वैल्यू निकल के आएगी, तो इसमें एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू है माइनस की 3/x आ गया। अब समाकलन गुणक निकाले, दिए गए समीकरण का समाकलन गुणक इंटीग्रल फैक्टर इक्वल टू क्या होगा, e टू दी पावर साइन ऑफ इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स है। तो इंटीग्रल फैक्टर जो होगा बेटा e टू दी पावर माइनस का ये 3 हो जाएगा और 1/x डी एक्स आ जाएगा, और e टू दी पावर माइनस 3 और log x हो गया। अब माइनस का ये करें तो e टू दी पावर माइनस log x की हो गया, और माइनस को ख़त्म करेंगे तो log 1/x की हो गया है, और आगे बढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1/x³। तो ये आपका इंटीग्रल फैक्टर आ गया, आपका इंटीग्रल फैक्टर आया आपका कितना, इंटीग्रल फैक्टर जो होगा वो 1/x³ के बराबर होगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इसमें कि समीकरण एक में इसका गुणा करते हैं। ठीक है, देखो ये मिला है आपको, यहां लिख देते हैं समीकरण एक में 1/x³ से गुणा करने पर, तो एक समीकरण ये मिल गया आपको, यहाँ गुणा कर दीजिए, तो गुणा करेंगे तो x³ e टू दी पावर x m² और अपॉन x³ हो गया बेटा, और ये dx हो जाएगा प्लस, और m x/x³ और ये dy इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, 0 हो जाएगा। अब इसमें इस ब्रैकेट के अंदर ले जाओ तो x³ e टू दी पावर x और x³ और m² / x³ हो गया, और ये dx प्लस, इससे कैंसिल करो कि m² / x² dy के इक्वल हो गया, इक्वल टू 0। अब इसमें मल्टीप्लाई करो, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकल के आएगा बेटा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो एक तो बचेगा e टू दी पावर x dx, e टू दी पावर x dx, e टू दी पावर dx, और माइनस का m y² / x³ और dx के इक्वल हो गया, dx के, और प्लस m y / x² और dy इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसमें आपको कुछ टर्म ऐसी लेनी होगी कि जो अवकलन में फिट हो जाए, यानी उसको शॉर्ट फॉर्म में ब्रेक करना होगा। अब शॉर्ट फॉर्म में कैसे ब्रेक करते हैं, देखो इसको आप e टू दी पावर x dx तो यही ले लें, प्लस m y / x² dy हो गया बेटा, माइनस का m और y² / x³ और dx इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, ऑब्वियसली इसे पता लग रहा है कि बाई का हो, तो बाई का अवकलज, ये बाई किसका अवकलज हो सकता है, बाई स्क्वायर का, भाई dy है तो ये किसका होता है कि बाई स्क्वायर, तो यानी 2y हो सकता है कि बाई स्क्वायर का हो सकता है, और 2y² का अवकलन करेंगे तो कितना होगा 2y, तो इसका मतलब है इसमें 2 का मल्टीप्लाई हो,
अब इसके आ जाते हैं x, यानी x का अवकलन हो, डिफरेंशियल हो, तो देखो 1 अपॉन x की आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो ये किसका हो सकता है, 1 अपॉन x स्क्वायर का हो सकता है, तो बात बन गई, 2 का मल्टीप्लाई करें, तो ये e टू द पावर x dx प्लस m कॉमन ले लें 2, तो देखो 2 बाई d बाई, और ये x स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस का y स्क्वायर यानी 2 बाई x क्यू और dx इक्वल टू बेटा 0 हो जाएगा, तो शॉर्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो e टू दी पावर आपका कितना हो जाएगा x dx और m अपॉन 2 किसका निकल सकता है कि फर्स्ट फंक्शन किसको माने इसमें कि डिफरेंस फर्स्ट फंक्शन 1 अपॉन x स्क्वायर का मानो, तो ये तो 1 अपॉन x स्क्वायर का होगा और y देखना y स्क्वायर का, देखो कि फर्स्ट फंक्शन सेम 1 अपॉन एक्स स्क्वायर हो गया और डिफरेंशियल ऑफ सेकंड फंक्शन 2 बाई और डी बाई प्लस सेकंड फंक्शन सेम यानी बाई स्क्वायर तो सेम है और डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन तो ये नेगेटिव 2 हो जाए नहीं हो जाए, नेगेटिव 2 का करेंगे तो नेगेटिव 2 और एक्स टू दी पावर नेगेटिव 3 आ जाएगा और नीचे लाएंगे तो पॉजिटिव, तो ये जो प्रॉपर्टी है आपकी ये प्रॉपर्टी इसमें ब्रेक हो गई इक्वल टू 0। अब e टू दी पावर x dx m अपॉन 2 d और y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर हो जाएगा बेटा और इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना होगा इसका समाकलन करें, तो समाकलन करेंगे तो e टू दी पावर x हो जाएगा और m बाई 2 और x y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर इक्वल टू c के बराबर होगा। ठीक है, ये आ गया। अब देखो इसी तरह से अगला है, इसी तरह से अगला है, ये आपका थर्ड नियम था। अब देखेंगे आपका फोर्थ रूल, रूल फोर्थ है आपका, यदि दिया गया समीकरण m dx प्लस n dy बराबर 0 व्यंजक, वही चीज है लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंजिंग व्यंजक है, वही चीज़ है सारी जो पहले हमने थर्ड रूल में पढ़ा था, लेकिन थोड़ी सी इसमें चेंजिंग है कि यदि आप के डेल एन ओवर डेल एक्स निकालें और डेल एम ओवर डेल वाई और अपॉन एम इक्वल टू एफ ऑफ वाई बचना चाहिए फलन, ठीक है वाई का फलन बनना चाहिए, या क्या होना चाहिए कॉन्स्टेंट होना चाहिए, यानी के रख सकते हैं इसको कॉन्स्टेंट होना चाहिए, तो इसका समाकलन गुणांक जो होगा इस दिए गए समीकरण का, दिए गए समीकरण का समाकलन गुणांक यानी समाकलन गुणक इंटीग्रल फैक्टर जो होगा बेटा वो निकल गया e टू दी पावर एफ ऑफ वाई डी एक्स डी वाई के रेस्पेक्ट में होगा, या स्थिरांक जब आए e टू दी पावर k और d y के रेस्पेक्ट में होगा, फिर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन लेते हैं, इसमें क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन है 10 x बाई क्यू प्लस बाई और डी एक्स और प्लस एक्स स्क्वायर, ये टू टाइम्स है एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर और प्लस एक्स और प्लस बाई पावर 4 और डी वाई इक्वल टू 0 ये दिया है। ठीक है, तो अब हमें इसको सॉल्व करना होगा, तो सबसे पहले हमें समीकरण एक दें बेटा इसको, ठीक है एक दे दिया, एक देने के बाद एम डी एक्स
और एन डी वाई इक्वल टू जीरो, समीकरण कौन सा हो गया, दो हो जाएगा। समीकरण समीकरण एक व दो से तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, इसमें m की जो वैल्यू है वो x बाई क्यू और प्लस कितना हो जाएगा बाई क्यू बाई, आपने बड़े बड़े लिखने के लिए बोला है तो ऑब्वियसली अगर बड़ा बड़ा लिखेंगे तो थोड़ा टाइम लगता है इसको, ठीक है। तो मैं बड़ा बड़ा रख रहा हूँ और पिछले लेक्चर में भी थोड़ा सा मैंने डिजिट को बड़ा बनाया था, ठीक है। ब्लैक बोर्ड थोड़े छोटे हैं, शॉर्ट है मैथमेटिक्स के हिसाब से, ठीक है। तो m की वैल्यू जो है x बाई क्यू प्लस बाई हो जाएगा और n की जो वैल्यू होगी बेटा, n की वैल्यू यानी 2 टाइम्स x स्क्वायर बाई स्क्वायर प्लस x प्लस बाई पावर 4 हो जाएगा। अब n की वैल्यू को और सॉल्व कर लें तो 2x स्क्वायर बाई स्क्वायर 2x और 2 बाई पावर 4 हो जाएगा। क्या निकालें बेटा, डेल n ओवर डेल x निकालना पड़ेगा और फिर डेल m ओवर डेल y, तो डेल m ओवर डेल y निकाल लेते हैं। तो यहां से निकालेंगे कि डेल m ओवर डेल y इक्वल टू कितना हो जाएगा 3x बाई स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। इसका निकालें तो डेल n ओवर डेल x निकालेंगे बेटा तो कितना हो जाएगा 4x बाई स्क्वायर प्लस 2, ये आ जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना होगा कि इसमें से माइनस करना होगा कि डेल n ओवर डेल x माइनस डेल m ओवर डेल y, तो 4x बाई स्क्वायर प्लस 2 माइनस का कितना हो जाएगा 3x बाई स्क्वायर माइनस 1 और अपॉन कितना आ जाएगा ये m है, तो m की जो वैल्यू है वो कितनी है बेटा कि x बाई क्यू प्लस बाई, देखना जरा, ठीक है, यही आ रहा है। तो थोड़ा सा देखते हैं, बहुत ईजी है, आप ऐसे ना घबराएं कि सर ये तो बहुत लंबे क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है, नियम को पकड़ा करो, नियम पकड़ में आ गया तो कितना भी लेंथी क्वेश्चन हो आप सॉल्व कर दोगे, ठीक है। तो इसमें वैल्यू रखी हमने तो ऊपर कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये f ऑफ x निकल के आ रहा है, f ऑफ x निकल के आ रहा है, तो ये कितना हो जाएगा बेटा x बाई स्क्वायर x बाई स्क्वायर और प्लस 1 अपॉन कितना आ जाएगा x बाई क्यू प्लस बाई आ रहा है, और कॉमन ले लीजिए इसमें x बाई स्क्वायर प्लस 1 बाई कॉमन लेंगे तो x बाई स्क्वायर प्लस 1 बचेगा ना, इससे ये कैंसिल हो गया, तो f ऑफ x की जो वैल्यू आई बेटा वो 1 अपॉन बाई की आई। अब आप इसका समाकलन गुणांक निकालें, क्या निकालें समाकलन गुणांक, दिए गए समीकरण का समाकलन गुणक निकालें, तो समाकलन गुणक जो होगा आपका वो निकल के आता है बेटा इंटीग्रल फैक्टर e टू दी पावर साइन ऑफ इंटीग्रेशन और f ऑफ बाई निकल गया ना, बाई आएगा बेटा, बाई फंक्शन बाई का, x वाला तो पहले वाला था जो थर्ड रूल किया था, इसमें बाई बचाना पड़ेगा, ठीक है। तो अब बाई में आ गया और यहां आ जाएगा आपका डी बाई, तो इंटीग्रल फैक्टर इक्वल टू ई टू दी पावर साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1 अपॉन बाई और डी वाई, तो इंटीग्रल फैक्टर इक्वल टू लॉग बाई के इक्वल हो गया, तो इंटीग्रल फैक्टर जो निकालेंगे वो किसके बराबर हो गया बाई के इक्वल हो गया, किसके इक्वल हो गया बाई के। अब समीकरण एक में हम क्या करें, बाई से गुणा कर दें, तो समीकरण एक तो ऑलरेडी हमें यहां मिल ही गया, देखो कितनी अच्छी जगह पर मिला है, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आपको बस केवल यहां यह लिखना होगा कि समीकरण एक में बाई से गुणा करने पर
तो गुणा करें तो देखो बाई एक्स बाई क्यू प्लस बाई डी एक्स हो गया टू बाई, और ये एक्स स्क्वेयर एक्स प्लस बाई पावर फोर और डी बाई इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब इसमें कितना हो जाएगा, एक्स बाई पावर फोर बाई स्क्वेयर, यहाँ एक्स का और कर देते डी एक्स का, तो बाई स्क्वेयर डी एक्स हो जाएगा और टू एक्स स्क्वेयर वाई क्यू हो गया बेटा टू बाई बाई क्यू, यहाँ करें टू एक्स बाई और डी वाई के, सॉरी इधर डी वाई का तो कर दो, ठीक है, और टू एक्स बाई डी वाई और टू बाई पावर फाइव और डी वाई के बराबर हो गया। ठीक है बेटा, अब हमें इसको सॉल्व करना होगा। देखो कौन कौन सी वैल्यूज हैं जिनको हम सॉल्व कर सकते हैं। देखो एक टर्म तो आपकी ये है, दूसरी टर्म ये है क्योंकि ये किसके रेस्पेक्ट में आ रही है, और ये तीसरी हो गई, और चौथी ये है, और पांचवी ये हो गई। तो पांचवी तो बिल्कुल सेपरेट है, बाई की रेस्पेक्ट में है, तो बाई पावर सिक्स अपॉन सिक्स आ जाएगा। ठीक है, अब हमें इनको ब्रेक करना होगा कि एक तो हमारी ये थर्ड और फोर्थ ले लें, और एक हम इसमें लें कौन सी ब्रेक करें, देखो इसमें बाई का करेंगे तो टू बाई स्क्वेयर हो जाएगा, बाई स्क्वेयर की टर्म कहाँ आ रही है इसमें, बाई स्क्वेयर की, तो इसमें ले लेते हैं हम एक्स बाई पावर फोर देखो यहां लेते हैं देखो एक्स बाई पावर फोर और डी एक्स आ जाएगा बेटा प्लस थर्ड वाला लें क्या टू एक्स स्क्वायर और बाई क्यू और डी वाई। ठीक है, और प्लस अब बाई स्क्वायर डी एक्स और प्लस के टू एक्स बाई और डी वाई और प्लस टू बाई पावर फाइव और डी वाई इक्वल टू जीरो। देखो इसमें एक्स है तो एक्स का तो बन आ रहा है, लेकिन ये जो x किसका हो सकता है, एक्स स्क्वेयर का हो सकता है, किसका हो सकता है, एक्स स्क्वेयर का, तो एक्स स्क्वेयर तो सेम है, तो एक काम करें कि इसमें वन बाई टू और टू एक्स बाई पावर फोर डी एक्स प्लस ये फोर और एक्स स्क्वेयर बाई क्यू और डी वाई, क्यों कि बाई क्यू किसका अवकलन हो सकता है, बाई पावर फोर का, तो फोर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बात बन गई कि नहीं बन गई, एक्स स्क्वायर सेम हो गया, बाई स्क्वायर सेम टू एक्स, बात क्लियर। तो अब इसमें दूसरा बनाए कि एक्स का कितना हो सकता है, इसमें बने भाई इसमें कॉन्स्टेंट किसका हो सकता है, बन किसका हो सकता है, एक्स का हो सकता है कि नहीं हो सकता है, तो अब ये देखो कि एक्स दूसरे में है, बात बन गई एक्स हो गई कि नहीं हो गई बेटा। फिर दूसरा है कि इसमें बाई का देखो, तो बाई का किसका, बाई किसका हो सकता है, बाई स्क्वायर का हो सकता है, तो इसमें देखना बाई स्क्वायर है, बात बन गई। तो ये जो क्लियर हो गया कि बाई और डी एक्स प्लस टू एक्स बाई और डी वाई के इक्वल हो गया प्लस टू बाई पावर फाइव और डी वाई इक्वल टू जीरो के इक्वल हो गया। अब इसे ब्रेक करें तो वन बाई टू हो गया, वन बाई टू और डी किसका बनेगा, ये कि एक्स स्क्वायर का बनेगा, बाई पावर फोर का बनेगा, कि फर्स्ट फंक्शन सेम, डिफरेंशियल ऑफ सेकंड फंक्शन और सेकंड फंक्शन सेम डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन, प्लस इसी तरह से डी ये किसका बन सकता है बेटा, एक्स वाई स्क्वायर का बन सकता है ना, एक्स वाई स्क्वायर की फर्स्ट फंक्शन सेम इसमें आ जाएगा सेम,
और डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो ये जो आपका आ गया था 2 बाई आ गया। अब सेकंड फंक्शन सेम, ये बाई स्क्वेयर है बेटा, बाई स्क्वेयर और डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ठीक है, ये आ गया क्लियर। और प्लस 2 बाई पावर 5 और डी वाई इक्वल टू 0। अब आप इसका इंटीग्रेशन कर दें, तो इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना निकल आएगा, समाकलन करने पर तो देखो 1/2 एक्स स्क्वायर बाई पावर 4 और एक्स बाई स्क्वायर और प्लस 2, ये कितना हो जाएगा बाई पावर 6 अपॉन 6 इक्वल टू कितना हो जाएगा, c के बराबर हो जाएगा। अगर हम इसमें इसे काटें तो ये 3 हो जाएगा, तो x स्क्वायर बाई पावर 4 अपॉन 2 एक्स बाई स्क्वायर अपॉन 1 ले लें और प्लस बाई पावर 6 अपॉन 3 इक्वल टू c। अब इसका एलसीएम ले बेटा तो कितना हो जाएगा, 6 हो गया, 6 आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा इसमें 3x स्क्वायर बाई पावर 4, तो 6x बाई स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 2 बाई पावर 6 इक्वल टू c। इसका मल्टीप्लाई करें तो 3x स्क्वायर बाई पावर 4 प्लस 6x बाई स्क्वायर प्लस के 2 बाई पावर 6 इक्वल टू 2 वो 6c, ये कांस्टेंट के बराबर के रख देते हैं, तो 3x स्क्वायर बाई पावर 4 और 6x बाई स्क्वायर प्लस के 2 बाई पावर 6 इक्वल टू के, यही इसका आंसर है। ठीक है बेटे, ये आंसर है, आ गया समझ में, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं थे, बहुत इजी है। और आप ऐसा ना समझें कि ये नहीं आएंगे, आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगे, और आप इनकी जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उनको भी निकालिए और एग्जांपल सॉल्व हैं उनको भी निकालने का प्रयत्न कीजिए। अगर उसमें से कोई भी नहीं आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।